नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज 16 फरवरी बुधवार मालकानगिरी जिला मालकानगिरी ब्लॉक की 19 ग्राम पंचायत में पंचायत त्रिस्तरीय पहला चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। तकरीबन 70,425 मतदाता इस ब्लॉक में है जो उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। इस ब्लॉक के अंतर्गत 3 जिला परिषद जोन, 19 ग्राम पंचायत, 19 समिति मेंबर एवं तकरीबन 264 के करीब वार्ड मेंबर उम्मीदवारों के भाग्य बदल कर रख देगी। मतदाता यानी वोटर्स पिछले पंचायत चुनाव में इन तीनों जिला परिषद जोन में से भाजपा ने 2 पर, जैसे ही जोन नंबर 2 शिखापल्ली एवं जोन नंबर 3 पदमगिरी में बाजी मार ली थी, लेकिन अब बाजी किसके खाते में जाएगी नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा या फिर वोट की गिनती होने के बाद ही पता लगेगा। वोट की गिनती 26, 27, 28 फरवरी को होने की संभावनाएं हैं और 28 फरवरी को चुनाव का नतीजा घोषित किया जाएगा। वैसे तो चुनाव से पहले का माहौल देखकर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एवं बीजू जनता दल की बराबर की टक्कर तीनों जिला परिषद जोन में रहेगी। मालकानगिरी ब्लॉक में कुल वोटर्स है 70,425, जिनमें से वोटिंग यानी मतदान किया है तकरीबन 54,931। कुल 78% मतदाताओं ने मतदान किया है। अगले शुक्रवार 18 फरवरी को दूसरे चरण में कोरुकोंडा एवं खेरपुट ब्लॉक में चुनाव होने वाले हैं। 20 फरवरी रविवार माथिली एवं पूर्या ब्लॉक, 22 फरवरी मंगलवार कालीमेला ब्लॉक एवं आखिरी चरण में 24 फरवरी को बृहस्पतिवार चित्रकोंडा में पंचायत चुनाव होने के लिए राज्य सरकार घोषणा करेगी। ओडिशा मालकानगिरी से ओडिशा हेड गोविंद मंडल के साथ मालकानगिरी ब्लॉक रिपोर्टर वसंत पाटला की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।